हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चौबे स्टडी जोन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एग्रोनॉमी का, हम लोग का फर्स्ट क्लास है। और एग्रोनॉमी पढ़ेंगे फसलों के वनस्पतिक नामों के बारे में, इसके साथ साथ कौन सी फैमिली से कौन सी फसल आती है, बिलोंग करती है, इसमें क्रोमोजोम संख्या क्या होती है, उसकी सीड रेट क्या होती है, इसके साथ ही साथ सबसे अधिक प्रोडक्शन करने वाला राज्य कौन सा है, किस फसल का सबसे अधिक प्रोडक्शन करता है, कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर, कौन सा द्वितीय स्थान पर, यही हम लोग आज वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपनी फसल से के बॉटनिकल नेम और फैमिली से चालू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं, ये बॉटनिकल नेम दिया हुआ है और फैमिली है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, क्रॉप्स का नेम दिया हुआ है आपको, वीट यानी कि गेहूं का बॉटनिकल नेम क्या होता है, वनस्पतिक नाम। बॉटनिकल नेम का मतलब कि उसके हिंदी में हम लोग वनस्पतिक नाम बोलते हैं। और ये फैमिली का यानी कि कुल किस कुल से गेहूं आता है, बिलोंग करता है। तो देखिए, जो गेहूं के बॉटनिकल नेम है दोस्तों, ये कौन सा है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। और गेहूं में जैसे ट्रिटिकम एस्टिवम भी होगा, ट्रिटिकम वल्गर भी होता है, ट्रिटिकम हॉर्डियम भी होती है, वो सब अलग अलग है, ठीक है दोस्तों। जैसे ब्रेड वाली गेहूं की बॉटनिकल नेम अलग होती है, पर जो जनरली क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये आपको यही पूछा जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि इसका जो ये अपना गेहूं के लिए बॉटनिकल नेम हो गया, इसमें जीनस ये क्या हो जाती है, जीनस हो जाती है, इसकी स्पीसीज हो जाती है। किसी भी अगर आप लोग पढ़े होंगे जीनस और स्पीसीज के बारे में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है इस पर परीक्षा में ब्लॉक एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि इसमें जीनस और स्पीसीज हो जाएगा। इसके साथ ही साथ किस फैमिली से बिलोंग करता है, इसका कौन सा कुल है, तो ये है पोएसी फैमिली में आता है। और इसका ओल्ड नेम क्या है, ये जो है गेहूं किस फैमिली में आता है, तो पोएसी फैमिली में आता है। और इसके पुरानी नाम को क्या कहते हैं, पोएसी को और एक हम लोग नाम कहते हैं, जो परीक्षाओं में पूछता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको पोएसी या इसका ओल्ड नाम जो है उसको ग्रेमनी बोला जाता है। जितने सारे पोएसी फैमिली में आते हैं वो क्रॉप्स, उसको ग्रेमनी भी बोला जाता है। उसकी फैमिली ग्रेमनी या पोएसी दोनों में एक ही ऑप्शन रहती है। तो आप लोग जरूर, आपको अगर पोएसी नहीं दिखे तो ग्रेमनी पर तुरंत आप टिक लगा दीजिएगा। चलिए अगले देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें क्रोमोजोम संख्या कितनी होती है। गेहूं में जो क्रोमोजोम संख्या होती है वो टोटल 42 होती है, यानी कि 42 क्रोमोजोम संख्या, यानी कि इसको हिंदी में हम लोग गुणसूत्र बोलते हैं। गुणसूत्र अपने गेहूं की 42 होती है। चलिए दूसरे क्रॉप्स की तरफ चलते हैं। ये जो है पेडी क्रॉप्स है, यानी कि धान की है। धान के खेती के आप लोग पता है कि दोस्तों, पेडी का भी पूछता है, बहुत ज्यादा खेती हम लोग करते हैं, जैसे कि खैरा बीमारी के बारे में पूछता है। आपके साथ साथ उसमें जो ब्लाइट डिजीज लगती है, फंगल डिजीज लगती है, उसके बारे में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग बॉटनिकल एंड जीनस स्पीसीज ये सब चीज़ों को हम लोग जानकारी लेंगे। ये दोस्तों देखिए, जो पेडी है, पेडी के लिए ये ओराइजिया सेटाइवा होता है इसका बॉटनिकल एंड, और इसका फैमिली जो होता है पोएसी होता है, ठीक है दोस्तों। अब यही देख लेंगे मेज का क्या बॉटनिकल एंड होता है, जिया मेज। मेज के दोस्तों अभी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी यानी कि MP में जो REO की वैकेंसी आती है उसमें पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कौन से प्रश्न पूछा गया था। तो जो जिया में किस फैमिली से बिलोंग करती है, पोएसी फैमिली से, ठीक है। अब देखेंगे सोयाबीन के यहाँ क्रॉप्स दिया हुआ है। सोयाबीन के लिए उसका वनस्पतिक नाम क्या, यानी कि बॉटनिकल नेम क्या है, तो ये हो जाता है ग्लाइसिन मैक्स। तो दोस्तों देखिए, कभी कभी बहुत सारे फसलों का ग्लाइसिन मैक्स जैसे है पूछ देगा, ग्लाइसिन मैक्स किस फसल का वनस्पतिक नाम है, तो आपको यहाँ पे कोई भी संदेह नहीं करने, सटाक्षण आपको अपना सोयाबीन पे टिक लगा देना, ठीक है। अब देखिए, ग्लाइसिन मैक्स किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो ये करती है फेवेसी फैमिली से, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे देखिए पोएसी का, यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है पी, यानी कि मटर की खेती हम लोग करते हैं। और मटर का वनस्पतिक नाम क्या होता है, तो होता है दोस्तों देखिए पाइसम सेटाइवम होता है, ठीक है। अब मटर का जो बॉटनिकल नेम होता है वो पाइसम सेटाइवम होता है। और यही देखेंगे इसके कौन सी फैमिली में बिलोंग करती है, तो अपना फेवेसी फैमिली में के अंतर्गत आती है। अब बात करेंगे देखिए बाजरा, यहाँ पे बाजरा दिया हुआ है, आपको बाजरा दिख रहा होगा, बाजरा की खेती। और बाजरा के सबसे उसके वनस्पतिक नाम क्या होती है, तो होती है पेनिसेटम टाइफोइड्स होती है, यानी कि टाइफोइड्स। और इसके जो फैमिली होती है पोएसी फैमिली में होती है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों, पोएसी क्या है, फेवेसी क्या है, लेगुमिनेसी क्या है, तो हम लोग इस पर अभी डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम जान जाएं कि दोस्तों देखिए, अब अगर पूछे सर्वाधिक गेहूँ का उत्पादन कौन से राज्य करता है, ठीक है, तो आप लोगों को ये भी जानकारी देनी है। प्रथम स्थान पर सर्वाधिक भारत में सबसे अधिक कौन सा राज्य गेहूं उत्पादन करता है, विश्व में भारत में भारत का कौन सा स्थान है गेहूँ उत्पादन में, मक्का उत्पादन में, सरसों उत्पादन में, तो अभी हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, पर अभी हम लोग को इतना ही के बारे में अभी जानना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके बात करेंगे, जैसे कि अब पूछ देगा गेहूं का, आपको सीड रेट पूछ देगा, गेहूं का सीड रेट कितनी होती है, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि गेहूं का जो है सीड रेट कितनी होती है। तो गेहूं का जो सीड रेट होती है 90 से 100 किलोग्राम, ऐसे आपको सामान्य तौर पर गेहूं का सीड रेट बताया जाता है। 80 से 90 भी बताया जाता है, कई कई अपने एग्जाम में 80 से 90 से हो जाते, कभी 90 से 100 होता है, ठीक है। अब यही अगर लेट वैरायटी के पूछेगा, लेट वैरायटी के गेहूं का कितने किलोग्राम देते हैं, उसका सीड रेट क्या होती है, तो दोस्तों लेट के लिए आपको 100 से
100 से 115 किलोग्राम, कहीं 115 से 120 किलोग्राम देती है। तो हम लोग अभी सीड रेट पे बाद में चर्चा करेंगे। और धान में दोस्तों कई तरह के धान होती है, मोटा का अलग सीड रेट होता है, महीन का अलग होता है, ये सारी अलग अलग चीज़ होती है। जैसे मक्का, अरे सॉरी मेज, मक्का का कौन कौन सा अपना, जैसे कि अमेरिकन मक्का का सीड रेट अलग होती है और अपना कंपोजिट का अलग होता है, देसी मक्का का सीड रेट अलग होता है। इसी तरह से अभी हम लोग सीड रेट पर भी बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे, देखिए सबसे अधिक मक्का का उत्पादन कौन सा राज्य करता है भारत में, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। और इसके साथ ही साथ ये जो सोयाबीन, सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होती है, तो जो सोयाबीन का उत्पादन होती है सबसे अधिक ये अपने मध्य प्रदेश में होती है। और सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाने वाला फसल कौन सी है, तो यह सोयाबीन ही होती है। इसके साथ ही साथ आपका सबसे अधिक प्रोटीन के पाए जाने वाला सोयाबीन है। और इसमें जो है ये एक ऐसी फसल है जो लेगुमिनेसी और फेबेसी दोनों में आती है, यानी कि इसमें से तिलहन भी होता है और ये दलहन फसल दोनों में इसको गिनी जाती है, क्योंकि इसकी जो आंसर आती है तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।